चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का दौर जारी है। 6 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो उन लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं, जो पंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले कई लोगों के नाम या तो मतदाता सूची से गायब हैं या फिर सूची में किसी तरह की कोई गलती नहीं है, गलती है जिसकी वजह से वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इधर मुंगेली में तो ग्राम पंचायत खामही कुर्मी की वर्तमान सरपंच सहोदरा बंजारे का ही नाम सूची से गायब हो गया है, जो अपने नाम को जुड़वाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची। मामले को लेकर कलेक्टर का कहना है कि सूची में त्रुटि से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए रजिस्ट्रेशन अधिकारी को सूचित किया गया है। वहां से जो प्रतिवेदन आएगा उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 जनवरी भी अगर गुजर गई तो फिर चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले लोग कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? जिसका परिवार का 19 जन का नाम काटे रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए गया तो देखते हैं तो नाम ही नहीं, यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। आप ऑफिस हो ऑफिस, उकर पर जाओ एकर पर जाओ, एक गोल गोल घुमाए वाले काउंसर है। मैं बोल रहा हूँ साहब साहब कि मेरा आवेदन भराना चाहिए, तो फिर नहीं भरा गया तो मैं अपना पंचायत का अभी जो चुनाव रोकवा दूंगा। मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, उन सभी शिकायतों को हम लोगों ने पंजीबद्ध किया है और संबंधित जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी है उनको सूचित किया गया है। उनसे जैसे प्रतिवेदन आएगा उसके पश्चात कार्रवाई की जाएगी। परंतु इसमें जो प्रारंभिक मतदाता सूची है उसका प्रकाशन भी अधिक जानकारी के लिए रोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया का दौर जारी है, किस किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर नजर आई और क्या कुछ प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है? देखिए, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने नामांकन दाखिल करने की तारीख 6 जनवरी निर्धारित की है, इसके मद्देनजर 30 दिसंबर से ही लगातार जो पंच सरपंच या जनपद की बात किया जाए या जिला पंचायत सदस्य के जो दावेदार है वो लगातार जनपद मुख्यालय में जिला मुख्यालय में पहुंचकर नामांकन दाखिला करा रहे हैं। और इस बीच में बड़ी समस्या देखने को मिल रही है कि कई दावेदारों का नाम सूची से गायब हो गया है, तो कई जो दावेदार है चाहे पंच हो या सरपंच हो कि त्रुटि वह दूसरे वार्ड में चला गया है, जिसके चलते ये दावेदार अब ना तो चुनाव लड़ सकेंगे और ना तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। और बड़ी बात ये है कि अब प्रशासन हालांकि दलील दे रही है कि जिस वक्त निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था और नामांकन मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था, उस वक्त समय दिया गया था दावा आपत्ति लेने के लिए, उस दौरान जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसका निराकरण किया जा चुका है। अब हालांकि जो आवेदन शिकायतें जो आ रही है उसका मद्देनजर रखते हुए संबंधित विभाग को रायपुर में प्रदेश में निर्वाचन आयोग को सूचना दे दी गई है। हालांकि जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अब कल 6 जनवरी है, सोमवार को अंतिम दिन है नामांकन दाखिला करने का, ऐसे में कई जो दावेदार है जिला मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं और एक जिला मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। कल आखिरी दिन भी है, जिस तरह से आपने बताया विभाग को भी जानकारी पूरी दे दी गई है, अब आगे उनका क्या कुछ कहना था? क्योंकि अगर कल का दिन में निकल गया तो वो चुनाव में दाखिला नहीं दे पाएंगे, नामांकन नहीं भर सकेंगे, तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस रहेगी? अभी फिलहाल जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग के भेजी गई है, उस हिसाब से जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसके हिसाब से। आपको रोकना चाहूंगी, सरपंच प्रतिनिधि सुख प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नामांकन दाखिल जो करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आपके यहाँ से भी किसी का नाम गायब हुआ है, क्या कुछ दिक्कतें आई उसमें? वो है मैडम, अपना के अभी अधिकारी मन बैठे हैं कि कैसो करके हम अभी जोड़ाखंड दुखी हो है कर्मचारी से, अपन बोले जोड़ाखंड कहा थे नहीं जुड़ पाए, फिर जो अपन खामे कुर्मे के वो है प्रकरण अपन चुनाव का उसको फिर रोकवाए प्रयास करूंगा ना। कल जब तक मेरा नाम नहीं जुड़ेगा तब तक चुनाव वहाँ पर रोका जाए। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप कल आखिरी तारीख है, कुछ साजिश है इसके पीछे जिस वजह से नाम हटाया गया हो? तो फिर कल लगा दूंगा मैडम, जब आज नहीं हो पाएगा मान ले जाए। नहीं, आपको नाम मेरा क्या वजह लगती है, क्या वजह लगती है जो नाम उसमें नहीं दिया गया? हाँ, आपको क्या वजह लगती है नाम नहीं आ पाया सूची में, तो क्या वजह हो सकती है इसके पीछे?
नाम नहीं आ पाएगा मैडम, तो वही है मतलब वो जाके तुरंत कोर्ट में हम रोक लगाने के लिए प्रयास करूंगा। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से अगर हम देखें रोहित, यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया जो है कल खत्म हो जाएगी, दाखिल नहीं हो पाएंगे, तो क्या लगता है आगे क्या प्रोसेस रहेगी और क्या कितने लोग हैं जो रह गए हैं वहां पर जिनके नाम उसमें नहीं आ पाए हैं, और नहीं आ पाए हैं तो अब अधिकारियों का क्या कहना है, आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? देखिए अभी जिनसे हमारी बात हो रही थी वो मुंगेली जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खामही के सरपंच प्रतिनिधि है, और उनके हम इज्जत का जो सरपंच है उनका नाम सूची से गायब हो गया है, और उन्होंने भी कलेक्टर के पास जाकर शिकायत की है, और उनका ये भी कहना है कि अगर मतदाता सूची में उनका नाम नहीं जोड़ा गया तो उनके गाँव वाले लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालांकि अभी तक अभी ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि इस दिशा में लगता है कि 6 जनवरी तक कुछ निराकरण निकल पाएगा। बहरहाल जो मतदाता है वो जरूर अब विभागीय जो दफ्तर है उसका चक्कर काटने को मजबूर है, और हालांकि क्या कुछ निर्णय होगा ये तो समय में देखने वाली बात होगी। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। यार छोटे से ब्रेक के लिए